उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थ नगर सदर थाना क्षेत्र के बनकशिया गांव के समीप मंगलवार को शाम एक कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी दिनेश कन्नौजिया उर्फ डी के, उम्र 42 वर्ष, पुत्र मायाराम और क्षेत्र के ही मधुकरपुर गांव निवासी संजय मिश्रा उर्फ संजय सुपारी, उम्र 38 वर्ष, मंगलवार को किसी कार से एक साथ कार से निकले थे। शाम तकरीबन 4 बजे लौट रहे थे। अभी क्षेत्र के बनकशिया गांव के पास पहुंचे थे कि कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे गड्ढे में चली गई। कार को गड्ढे में जाते देख लोग दौड़ पड़े और कई लोग पानी में कूद गए। इसके बाद कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकाला गया। पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं संजय को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। शहर कोतवाल संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि जानकारी मिलते टीम मौके पर गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायल को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। डॉक्टर राम प्रकाश चौरसिया, एजीआर, यहां पे इमरजेंसी में पोस्ट हूं। यहां पर अभी कुछ देर पहले जो है दो एक्सीडेंटल मरीज आए हुए थे, जिसमें से एक मरीज का नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम मायाराम, उम्र 35 साल, ये इंदिरा नगर सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं। उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि ये जो है नौगढ़ जो रोड है उसके आसपास में इनकी जो है गाड़ी पलट गई और पानी में जाके गिर गई है। पानी में गिरने के काफ़ी देर के बाद वहाँ के लोग उनको निकाल कर यहाँ पर लेके आए, सिद्धार्थ नगर जिला अस्पताल एंड मेडिकल हॉस्पिटल में लेके आए। यहाँ पर जो है देखा गया कि दिनेश कुमार की ना तो पल्स मिल रही थी, ना सांस चल रही थी। उनको जो है रिससिटेट किया गया, CPR दिया गया, लेकिन उनकी पल्स नहीं आई। और एक दूसरे पेशेंट जो है संजय मिश्रा, पिता का नाम हरिश्चंद्र मिश्रा, ये मधुकरपुर के निवासी हैं सिद्धार्थ नगर के। इनका कंडीशन काफ़ी गंभीर था, इनको होश आवास नहीं था, लेकिन पल्स मिल रही थी। इनको ICU की ज़रूरत थी, इसीलिए जो है इनको BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर जो है आन ऑक्सीजन भेजा गया। क्या दिनेश कुमार की मौत रास्ते में हो गई थी, कहीं हुई सर? दिनेश कुमार की मौत जो है यहाँ पे नहीं, पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी ठंडी पड़ चुकी थी, पल्स नहीं मिल रहा था, उनका जो है पीपल जो है नॉन रिएक्टिव था।